इस मशीन में जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें एक मैच बटन है, उस मैच बटन को प्रेस करेंगे, उसके बाद अपना फिंगरप्रिंट फिंगरप्रिंट सेंसर पे लगाएंगे। अगर वोटर ऑथराइज है तो वो वोट दे सकता है। अब अगर वो वोटर दोबारा आता है तो वो प्रेस बटन दबाएगा, मैच बटन, और उसके बाद ये ऑलरेडी वोटेड का बजर बज जाएगा, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि ये वोट दोबारा देने आया है वोटर। इससे हमारी जो है वोट, जो वोटर बार बार वोट देते थे वो नेगलेक्ट हो जाएगा, और हर पर्सन का अपना ये फिंगरप्रिंट होता है, जिसकी वजह से वो सिर्फ एक ही बार वोट दे पाएगा और उसकी जगह कोई और पर्सन वोट नहीं दे पाएगा। जैसा कि हमें पता है कि जो भी अभी तक की जो भी ईवीएम मशीन है उसकी हमने थोरली स्टडी करी, उस स्टडी में हमने ये पाया कि हमारी जो ईवीएम है, प्रेजेंट ईवीएम, उसमें दो तरीके की मशीन लगी होती है, एक कंट्रोलिंग यूनिट और एक बैलेटिंग यूनिट। अगर हम कंट्रोलिंग यूनिट पे जो हमारा पीटरसन अधिकारी है वो पहले उसकी जो भी वोटर आता है उसकी एक पर्ची से उसको आइडेंटिफाई करता है और देन उसके बाद वो वोट दे सकता है जब कंट्रोल यूनिट पे बटन दबाया जाएगा। लेकिन अब हमारी स्मार्ट ईवीएम में क्या हो गया है कि इसमें हमने इन दोनों कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट को एक जगह कर दिया है, और वोटर की जो वेरिफिकेशन हो रहा है वो हम बायोमेट्रिक कर रहे हैं।